अरे हाँ, मेरे अंकल के पास एक बोट है। तो क्यों ना हम बोट से मॉर्गन टाउन जाएं और दूसरी गाड़ी ले लें? पागल हो गए हो क्या? हमें तो पानी से दूर जाना है। इस वक्त हमें पिट्सबर्ग से बाहर निकलना है और इस ट्रैफिक में हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। वो बोट कहाँ है? बस थोड़ी ही दूर। ओके, ठीक है, जैसा तुम कहो। हम रेलवे लाइन के पास पहुंचने वाले हैं। देखो वो रही ट्रेन। कुछ सुन रही हो? हाँ, मुझे कुछ भयानक लग रहा है। लगता है जैसे कोई लहर बहुत तेजी से आ रही है। हाँ, वो ठीक हमारे पीछे ही है। हम बस पहुंचने वाले हैं। पकड़े रखो। Level 36.2 check. Pollinators और seed dispersers, इन सब में यही है क्या? हाँ, insects इंसानी जीवन के लिए जरूरी होते हैं। साल की 1/3 food supply तो हमें मधुमक्खियों की मदद से मिलती है। ये तीसरी बोगी है और अभी तक कुछ नहीं मिला। इंजन स्टार्ट करो। क्या, लेकिन क्यों? मास्टर्स को खबर करो और उन्हें कहो कि जल्दी बाहर आएं। हेलो मास्टर्स। यस टाइलर। आपको वहां से फौरन बाहर निकलना होगा। लगता है खतरा बढ़ रहा है। चलो, हमें और वक्त चाहिए। हमें वापस हेलीकॉप्टर पर जाना होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। हमें उसमें कूदना होगा। क्या तुम कैनिस्टर्स के साथ कूद पाओगी? नहीं। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। नहीं। हमें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, लेफ्टिनेंट ट्राविस को भी। वो गया तो जाने दो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये आँख खूबसूरत है, हाँ?
इनसे मिलिए, लेफ्टिनेंट जॉन ट्रैविस। जॉन यह है कैप्टन फ्रैंक ब्रिजेस और पेटी ऑफिसर ओल्स और पेटी ऑफिसर हाइम्स। ये लोग आग को चलाने वाले हैं। ये है मेरा असिस्टेंट चेस फ्रीमन। हेलो सर। आपने बहुत ही कमाल का वेसल डिजाइन किया है लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है? इसमें 50,000 लोग आ सकते हैं। और इस अद्भुत टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे चलाने वाले हैं? जी सर। ये काम कैसे करता है? वो टर्बाइन्स दो तरह की एनर्जी जनरेट करेंगे। पहले टाइप की एनर्जी है आग के बाहरी हिस्से या हल में स्लिट से टर्बाइन कंपोनेंट्स में बहने वाले पानी के बहाव से पैदा होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो पूरे आग को चलाने के लिए काफी नहीं होगी, पर इस चीज से जनरेट होने वाली दूसरी प्रकार की एनर्जी के साथ मिलकर काम करेगी, जो है मोशन। जैसे जैसे लहरें आग को हिलाएंगी, टर्बाइन के ऊपर बना हुआ एक काइनेटिक बैलेस्ट उस एनर्जी को जमा करके उसे पावर सेल्स के एक बैंक में भेज देगा। फिर वो और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सारे इलेक्ट्रिकल और प्रोपल्शन सिस्टम को चलाने के लिए काफी होगी। न फ्यूल, न गैस, बस पानी और मोशन। ये दोनों आग के सूखी जमीन पर आ जाने तक खत्म नहीं होंगे। और टेस्ट कामयाब हुए हैं? हमने आज सुबह ही हाइड्रो इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए हैं जो कामयाब रहे हैं। और काइनेटिक बैलेस्ट? हम वही करने जा रहे थे सर। बैलेस्ट वेल्व को चला रहा हूं। लीजिए, इसमें कुछ सेकंड लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट का हिस्सा है लेफ्टिनेंट। सॉरी सर, लगता है पावर सेल्स के किसी एक कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट हो गया है। नहीं, नहीं हो सकता। मैंने जूल टू वॉट कन्वर्शंस को 3 बार चेक किया था, वो बिल्कुल सही थे। क्या आप एरर पहचान सकते हैं? हजारों कनेक्शंस है सर, एक बंद पड़ा तो सभी बंद हो जाते हैं, क्रिसमस लाइट्स की तरह। मुझे सबको बंद करना होगा। दूसरा बैलेंस तैयार करने में कितना वक्त जाएगा? दूसरा बैलेंस इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता सर। तो अब हम क्या करें? अगर एक दूसरा काइनेटिक बैलेंस मिल जाए तो मैं उसमें जरूरी मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबी है ना? अब आपको दूसरा बैलेंस कहाँ से मिलेगा? इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सिर्फ किताबी है कैप्टन। इसके कंपोनेंट्स तो मिल जाएंगे, काइनेटिक बैलेंस तो सालों से बुईज में इस्तेमाल होते आए। और आपको इस वक्त ऐसा बुई कहां से मिलेगा लेफ्टिनेंट? इलिनॉय में, वहां जोलियट नदी पर एक शिपयार्ड है जहां सूखी जगहों में बुईज रखे गए हैं। क्या उस पुर्जे को पहचाना और निकाला जा सकता है? जी सर, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है लेफ्टिनेंट। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहां हो और तुम क्या निकाल रहे हो। ठीक है, समारोह तुम्हारे साथ जाएगा। मैं एक सी ड्रैगन तैयार करवाता हूं और तुम फौरन निकलो। सर, थैंक यू, थैंक यू। और लेफ्टिनेंट, अब नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं। जी सर। सच में जॉन, जॉन मैंने 3 बार सब चेक किया था, मैंने सब ध्यान से देखा था, पर सब इतना जल्दी करना था, मेरे पास वक्त नहीं था। लेकिन पता नहीं मुझसे गलती कहां हुई, मैंने सारे कनेक्शन चेक। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। अब मेरे वापस आने से पहले तुम उस खराब कनेक्शन का पता लगाकर उसे रिपेयर कर देना। यस सर। करो। ओके, करता हूं। तुम कहना क्या चाहती हो? हम बच तो जाएंगे पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे पास जो कुछ बचा है उसके साथ इंसान दुनिया में कुछ ही सालों तक जिंदा रह पाएंगे। तो बेसिकली हाँ, बिना ढेर सारे मौत के सैंपल के इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। का लोकेशन क्या है? 8 degrees नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। हम करीब 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे। वो रहा। हेलीकॉप्टर नीचे लो।